खबर शाहजहांपुर जनपद से है, जहां थाना पॉइंट क्षेत्र में भटूरिया गांव के पास मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। बिहार से अम्बाला जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में पलट गई। जैसे ही यह हादसा हुआ वैसे ही गांव वालों ने थाना पॉइंट को सूचना दी। आनन फानन में पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बस में सवार लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला। बस में 150 यात्रियों से ज्यादा यात्री सवार थे, जिसमें से 26 यात्री घायल हो गए। इनमें से 4 को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर से मजदूरी पर सैकड़ों लोग बस से अम्बाला जा रहे थे। जैसे ही बस शाहजहांपुर जिले के पोया थाना क्षेत्र के भटूरिया गांव के पास पहुंची, रोड के साइड में पड़ी मिट्टी में बस का पहिया चला गया। बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के गांव के लोग दौड़ पड़े और बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। इसी बीच पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। क्षेत्राधिकारी BS वीर कुमार कोतवाली प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने काफी मशक्कत के बाद सभी घायल हुए यात्रियों को बाहर निकाला और पोया निगोही सिधौली सभी एम्बुलेंसों को सूचित कर दिया। तत्काल मौके पर पहुंची एम्बुलेंसों से सर्वप्रथम CSC भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने घायलों का उपचार किया। किसी के पैर में चोट थी, किसी के चेहरे पर चोट थी, किसी के हाथ में चोट थी। सभी दर्द से कराह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गोल्डन पैलेस गांधी पार्क में रुकवाया, उनके खाने पीने का इंतजाम कराया, उनके सामान को कब्जे में ले लिया, कहा वेरिफिकेशन कर सभी का सामान दिया जाएगा ताकि जिसका सामान है उसी के पास पहुंचे। कोतवाली प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने कई घायलों को अपने पास से पैसे भी दिए और मौके पर कोतवाल प्रभारी थाना पोया कुंवर बहादुर सिंह, क्षेत्राधिकारी पोया BS वीर कुमार, नायब तहसीलदार पोया नंदा, ब्रदर्श राजा भैया, राजेश शुक्ला आदि लोगों ने सभी यात्रियों को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। ये हादसा हुआ सर, उन्होंने सुबह 8 बजे यहाँ लाइन होकर के रोकी हुई थी, वहाँ से मतलब 8 घंटे वहाँ रोक करके उन्होंने वहाँ से तेजी में बस खोली और ले आकर यहाँ घेर दिया। बस तेजी में थी? हाँ जी, हाँ जी, सिंगल रोड है सर। कितने लोग सवार थे बस? 170 लोग है उसमें सर। कोई कैजुअल्टी हुई? साफ नहीं हुई। घायल है? कितने लोग घायल होंगे सर? अभी कोई कुछ भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि हम भी उसमें थे। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर? हम मतिहारी से अम्बाला का टिकट है सर हमारे। बस में। और कैसे हादसा हुआ? हम बाड़ेहार से गाड़ी पकड़ के यमुनानगर जा रहे थे और गाड़ी बहुत तेज चला रहा था वो, ऊपर से 6-7 घंटे वहाँ रोका, पूरा दिन शाम वहाँ रोका होटल में भी, मतलब कि गाड़ी रोक रखा है। कोई भी सारे सोच रहे थे कि उधर से हाईवे से निकलेंगे, लेकिन ये गलती गलत रास्ते से लेके जाते। तो ये इस रास्ते पर क्या करने के लिए आया था? ये इधर से बचने के लिए आया था कि टैक्स नहीं भरना पड़ेगा वगैरह वगैरह। अच्छा। और 2-3 ऊपर जनानियाँ भी बैठा रखी थी। हाँ, बस के ऊपर इस पे छत पे नहीं, स्लीपर के ऊपर होता है ना जो ड्राइविंग का ऊपर वाला, सोने के ऊपर उस पे। अच्छा, तो क्या हुआ? कोई कितने लोग घायल होंगे इसमें? कुछ ऐसा बहुत ज्यादा ही हुआ है। कितने लोग सारों के सिर पर लगाई है, किसी के सिर पे लगा। इन्फॉर्मेशन मिली है कि नगोही रोड पर कोई बस बिहार की तरफ से दिल्ली जा रही थी, जिसमें वो बस पलट गई किसी गड्ढे में, जैसा बताया जा रहा है गिरी हुई है। उसमें करीब 26 लोग हमारे पास आए हैं जिनको चोटें लगी हुई थी और खतरे से तो बाहर सभी लग रहे हैं। 26 में 4 थोड़े से ज़्यादा जिनकी ज़्यादा चोटें थी, जिनमें किसी का फ्रैक्चर वगैरह की संभावना लग रही है, लेकिन वो एक्सरे के बाद ही पता चलेगा। बाकी 22 लोगों के सामान्य चोटें थी, हल्की फुल्की खुरीचे हैं या थोड़े से फटे हुए चोटें हैं, तो सबको फर्स्ट एड दे दिया गया है। फिलहाल 22 लोग तो लगभग ठीक ही हैं जो यहाँ पे हैं, और जो 4 हैं उनको हमने शाहजहांपुर रेफर कर दिया। क्या कोई कैजुअल्टी की सूचना तो नहीं आती? अभी हमारे पास कोई कैजुअल्टी की सूचना नहीं है, और जो 26 लोग हमारे पास आए हैं उनमें भी कोई ऐसा नहीं है, ऐसा लग नहीं लग रहा कि जिसकी कैजुअल्टी हो गई, तो ऐसा जैसा लग रहा है उसके हिसाब से पहली दृष्टि में। कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, एक बस जो है वो वॉल्वो बस बिहार से अम्बाला की तरफ जा रही थी। ये थाना पोया अंतर्गत निगोही रोड पर चकुदन गांव है, उसके पास वो पलट गई और जैसे ही गांव वालों ने सूचना दी, तत्काल पुलिस प्रशासन, डॉक्टरों की टीम, फायर, सब लोग मौके पहुंचे। गांव वालों के सहयोग से सब जो भी लोग उसमें घायल हुए थे उनको तत्काल CSC पहुँचाया गया और जो लोग ठीक हैं उनको एक गांधी पार्क, हमारा सरकारी वो है,
मरीज हॉल वहाँ व्यवस्था कराई गई है, उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है। और इसमें दो लोग रेफर हुए हैं जिनको चोटें थोड़ी ज़्यादा थी, बाकी सब लोग यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हल्की फुल्की चोटें हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जो खोजबीन में कोई अभी कैजुअलिटी नहीं निकली है, ये ऊपर वाले कृपा है, आशा काफ़ी बढ़ा था, लेकिन वो सभी के सहयोग से सब लोग रेस्क्यू कर लिए हैं। घायल तीन बताए जा रहे हैं? नहीं, घायल तो कई लोग हैं,